15 और 16 अक्टूबर ये दो दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित है। ये एक ऐसा प्रकल्प है कि देश के सुदूर गांवों में जहां चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है और चिकित्सा के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है, उनमें उन स्थानों पर वहीं की सेवकाओं को प्रशिक्षित करके टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको विश्व के किसी भी पर्चे से अच्छे डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके। एक ऐसा अनूठा प्रकल्प है जो आरोग्य फाउंडेशन कर रही है। डॉक्टर मुकुल भाटिया इसमें जिन्होंने अपना जीवन इस संघ कार्य के लिए दिया हुआ है, एमएस करने के बाद में ये उसी पर लगे हुए हैं। ये इस प्रकल्प के बारे में और जितनी जानकारियाँ किस तरह से व्यवस्था चल रही है और इस अधिवेशन में दो दिन क्या होने वाला है, क्यों ये अधिवेशन यहाँ बुलाया गया है, किस तरह से जो कार्य चल रहे हैं उनको परिष्कृत कैसे किया जा सकता है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है कि देश के हर गांव में 1,00,000 गाँव तक पहुँचने का जो लक्ष्य दिया गया है वो इसकी रूपरेखा आगरा के इस अधिवेशन से रखी जाएगी कि 1,00,000 गाँव तक कैसे पहुँचा जा सके। अभी 30,000 गाँव तक हम ये पहुँचे हैं, इनको 1,00,000 गाँव तक कैसे पहुँचाएंगे। एकल आरोग्य जिसके दो विभाग हैं, एकल आरोग्य योजना, एकल आरोग्य प्रकल्प, और इसकी जो रजिस्टर्ड बॉडी है वो है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तब सर दो दिन जो किन किन विषयों पर मुख्य तौर पर चर्चा की जाएगी? देखिए, देश के अंदर बीमारियों की रोकथाम को लेकर एक गंभीर रूप से कार्य करने का हमारा पिछले 20 वर्ष का अनुभव है। अब उस अनुभव में जो गांव की हमारी महिला आरोग्य सेविकाएं हैं, इन आरोग्य सेविकाओं को कार्य करते समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उनको कुछ अनुभव भी ऐसे आते हैं जो बिरले होते हैं। हम लोग जो उनको प्रशिक्षण देते हैं वो उससे आगे जाकर गांव में कुछ भलाई के काम भी करते हैं, तो उन कार्यों का यहां पर ठीक प्रकार से विवेचन हो, इस अधिवेशन का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो यही है।